हेलो, मैं हूँ स्वप्निल जोशी। आज हम देखेंगे कि अपनी वेबसाइट या फिर ब्लॉग को गूगल के सर्च रिजल्ट में कैसे दिखाएं। गूगल सर्च कंसोल ये एक गूगल का टूल है, उसे हम वेब मास्टर टूल भी कहते हैं। इसे यूज करके हम अपने वेबसाइट का साइट मैप गूगल को सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट नई है तो इनिशियली ये गूगल के रिजल्ट में नहीं आती है, तो उसके लिए क्या करना है ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप google.com ओपन कीजिए ब्राउज़र में और उसमें सर्च कीजिए गूगल सर्च कंसोल, एंटर कीजिए। जो फर्स्ट लिंक आती है search.google.com ओपन कीजिए और स्टार्ट नाउ बटन क्लिक कीजिए। फिर अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर दीजिए, पासवर्ड डालिए। लॉगिन होते ही आप गूगल सर्च कंसोल का विंडो देखेंगे। ये लॉगिन हो चुका है। अगर आपकी साइट नई है तो उसका डोमेन आप इस टेक्स्ट बॉक्स में डाल के देखिए और देखते क्या रिजल्ट आता है। डोमेन का नाम डालने के बाद एंटर कीजिए। गूगल ने बताया कि URL इज नॉट ऑन गूगल, मतलब गूगल के पास ये डेटा नहीं है आपकी साइट के बारे में। तो स्टॉप मेनू में क्लिक कीजिए और अपनी साइट का डोमेन डालिए। प्रॉपर्टी मतलब अपनी वेबसाइट का डोमेन। ये नई प्रॉपर्टी हम गूगल के डेटाबेस में ऐड कर रहे हैं। ये जो txt रिकॉर्ड है इसे हमें अपने डोमेन नेम प्रोवाइडर के साइट में ऐड करना है, मतलब आपने जहाँ से भी ये डोमेन परचेस किया है उस साइट पर लॉगिन कीजिए और ये txt रिकॉर्ड उसमें पेस्ट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। मैंने ये डोमेन होस्टिंग घर पे परचेस किया था तो मैं वहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। आप इसे यूजर नेम पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं या फिर अपने गूगल अकाउंट से। तो ये लॉगिन बटन क्लिक कीजिए और मैंने सिलेक्ट कर लिया गूगल अकाउंट, तो मैं गूगल से लॉगिन करूंगा। लॉगिन हो चुका है। आपके डोमेन के सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। वहां पे आपको डोमेन्स मेनू क्लिक करना है और उसके अंदर DNS जोन, ये जो टैब आप देख रहे हैं वो क्लिक करना है। और ये जो गूगल का txt रिकॉर्ड है वो आपको कॉपी करना है। नीचे एक स्क्रॉल करके देखिए txt रिकॉर्ड, यहाँ पे आपको एक नई एंट्री ऐड करनी है। तो नीचे आप जो हरा बटन देख रहे हैं ऐड न्यू, उसे क्लिक कर दीजिए और @ सिंबल टाइप करके गूगल का txt रिकॉर्ड पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस देखेंगे लेकिन ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सेव बटन क्लिक कर दीजिए। DNS रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है और इसे हमें वेरीफाई करना पड़ता है इस तरह से। ये देखिए ओनरशिप वेरीफाई हो चुकी है, मतलब ये साइट आपकी है, ये गूगल कंफर्म करता है। अभी स्टार्ट बटन क्लिक कीजिए। आप अपने साइट का परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले आपको गूगल एनालिटिक्स कोड अपने साइट में डालना होता है, HTML कोड में, उसका अलग वीडियो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपने साइट का साइट मैप भी सबमिट कर सकते हैं। इसे हम देखेंगे इस वीडियो में।
ये देखिए ओवरव्यू। और अपने साइट का परफॉर्मेंस यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर कुछ फिल्टर्स दिए और ये पेजेस है अपने साइट के। फिर कौन से डिवाइस से कितने क्लिक आपके साइट पे आए, ये सब डिटेल्स यहाँ पे मिलते हैं। तो मैंने सिलेक्ट किया लास्ट 16 मंथ का डेटा, फिल्टर कर लिया। फिर ये चार्ट आपको दिखाई देगा, लेकिन ये चार्ट देखने से पहले आपको गूगल एनालिटिक्स कोड आपके साइट में डालना जरूरी है। ये देखिए कौन से डिवाइस से कितने क्लिक आए, कौन से कंट्री से क्लिक्स आए, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और कौन से कीवर्ड से आपके साइट को सर्च किया था, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और नोटिफाई का आइकॉन क्लिक कीजिए। आप अपने साइट का कोई भी यूआरएल यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और नीचे कुछ ऑप्शन है लिंक्स और सेटिंग्स के, वो भी आप देख सकते हो। और सिक्योरिटी और मैनुअल कोई एरर है या कोई एक्शन लेना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए नो इश्यूज डिटेक्टेड, मतलब इस साइट में कोई इश्यूज नहीं है अभी। अब हम साइट में सबमिट करेंगे। साइट में एक यूआरएल होता है जहाँ पे आपके वेबसाइट के सारे यूआरएल्स प्रेजेंट होते हैं और ये ऑटोमेटिक बनता है अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो तो। ये देखिए मेरे साइट मैप में ये सब पेजेस है। तो ये सारी यूआरएल हम गूगल को सबमिट करेंगे बस एक पाथ देके साइट मैप का। ये देखिए ये मैंने सबमिट किया, साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपके सारे पेजेस की जानकारी गूगल को हो जाती है और ये रिजल्ट आप अपने गूगल के सर्च रिजल्ट में देख सकते हो। ये देख के मैंने अपने डोमेन का नाम डाला तो ये सारे पेजेस यहाँ आ चुके हैं। अगर आपको सारे पेजेस देखने हैं जो गूगल के पास है तो आप डालिए साइट कोलन और अपने डोमेन का नाम और एंटर कीजिए। तो गूगल के पास जो भी डेटा है आपके साइट के बारे में वो यूआरएल आप यहाँ देख सकते हो, मतलब ये पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं। अब गूगल सर्च कंसोल से रीइंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो गूगल के लिए। तो अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल हो तो क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू।